आज हम नवी कक्षा का दसवां पाठ अपराजय यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के कवि है कमल कुमार जी। कमल कुमार जी इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानी आ जाए इंसान पर, तो इंसान ने हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ का पहला परिच्छेद देखते हैं। स्ट्रेचर को धकेलते हुए बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारों से जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्य, मित्र, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सब। सभी के चेहरे पर बेचैनी थी। जल्दी से नर्स ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेल दिया और दरवाजा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेचैन होकर मुंह नीचे किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उनके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा। उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे है? दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। कहां पर दुर्घटना हुई थी? हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे, यानी कि अमरनाथ जी का उनके बच्चे दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे। उनके बाबूजी ने दोबारा मोबाइल पर बताया कि वो सुबह नहीं निकल सकेंगे, इसलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी, अमरनाथ जी के मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उसे उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अमरनाथ जी कहीं पर भी रास्ते में नहीं रुकने वाले थे। अगर रुकना भी होता तो फोन पर बता देते थे। आसपास कई जगह फोन किया, उनके बच्चों ने आसपास में कई जगहों पर फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब उनके बच्चों ने रात के 1 बजे वहीं के करीब के पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फोन आया था, पुलिस वालों का सुबह 5 बजे फोन आया। उन्होंने बताया कि इस बार नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में, यानी ये एक शहर है बच्चों अलवर, और उस रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका था, यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। जहां पर दुर्घटना हुई थी उस जगह पर जो वातावरण था वो भयावह का था, यानी बहुत डरावना था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। उस जगह पर अनिल ने धीरज को साथ में लेकर गया। दिल में वो भगवान मन में चिंता करते थे, अपनी अपनी बात आपस में कर रहे थे। अमरनाथ जैसे इंसान के साथ में ऐसा ही होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वो तो रुका ही नहीं वहां पर, जो ट्रक वाला उनकी गाड़ी को टक्कर मार कर गया, वो तो रुका ही नहीं। इंसानियत अगर उसमें होती और इंसानियत का अगर सबूत होता तो ड्राइवर भी बच जाता। ड्राइवर इसके लिए बच जाता कि वो जो एक्सीडेंट होने के बाद में वहां से वो सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर भाग चुका था, और जो अमरनाथ जी का ड्राइवर था उसका ज्यादा खून जाने की वजह से उसकी क्या हुई थी बच्चों? मृत्यु हुई थी। और अमरनाथ जी के यहाँ पर ये ड्राइवर 10 साल से ड्राइवरी की नौकरी कर रहा था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे, ये कैसे हो सकता बच्चों? इस तरीके से हमने अभी आपके सामने परिच्छेद नंबर 1 पढ़े। अब हम अगले वीडियो में दूसरा परिच्छेद को का ध्यान करेंगे।